कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली का हाल क्या रहा ये आपने देखा और दिल्ली के सांसदों से हमने बात की। अब पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं उनसे बात करते हैं। पप्पू जी, दिल्ली के जो बाढ़ के हालात हैं, जो बारिश की वजह से जो जाम और पानी का जमाव देखने को मिला, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात समझिए ना कि क्यूटो ये बनारस को नहीं बना पाए। दिल्ली आजादी के बाद जो शहर था जिसको अंग्रेजों ने बसाया था, उसके बाद हम लोगों ने किस तरह लूटा है 40 सालों में दिल्ली को, उसके टैक्सेस को, उसकी वैलिटी को, नगर निगम के पदाधिकारी, नगर निगम के 40% नेता, सभी लोगों की मिली भगत से जनता को कैसे लूटा गया है। दिल्ली का जब नर्क स्थिति है, अब बिहार के नगर निगम को नर्क निगम कहा जाता है या अन्य जगहों को आप कहा जाता है, यदि चंडीगढ़ को छोड़ दीजिए या एक दूसरे शहर को, तो उसके बाद दिल्ली ही सबसे ज्यादा प्रदूषित है, दिल्ली ही सबसे ज्यादा सीवरेज प्रॉब्लम है, दिल्ली ही पर सबसे ज्यादा बिना किसी नियम कानून के मकान बना हुआ है, दिल्ली में ही टोटल के टोटल माफियाज यहाँ पर जमीन का धंधा और नेता जमीनों के धंधों से अरबपति खरबपति बन गया है, एमसीडी के लोग चेयरमैन हम सब, तो जांच करिए इन 40 सालों के अंदर, 20-25 सालों के अंदर किस किस लोगों के किस कौन कौन पदाधिकारी कितने लूटे हैं, कितने कमाए हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं बच सकते हैं, दिल्ली में है 1200-1400 का, ये आप छत छूने लगा इतने दिनों के अंदर, संसद भवन में छत छूने लगा, तो आप अंदाजा कीजिए अभी 1200 करोड़ रुपए का बना नहीं और छत छूने लगी, इसकी स्थिति आप समझिए। तो आप ना कोचिंग का कोई गाइडलाइन है, ना मापदंड करते हैं, ना कोई क्वालिटी की बात करते हैं, ना क्वांटिटी की बात करते हैं, और पदाधिकारी से मिल करके पूरे देश के बच्चों का आप शोषण यहां करते हैं। तो दिल्ली की स्थिति और हालात अच्छे नहीं है, दिल्ली की जनता नर्क में जीती है, दिल्ली की माँ बहनों तो और भी नर्क में जीती है। बहुत क्लियर, करंट लगने से मौत हो जाती है दिल्ली में बारिश के पानी की वजह से। मैंने तो वही बात कही कि किसी चीज से गंदगी हो, गर्मी में राजस्थान में पुआल जले, ठंडा है तब हम बर्बाद, बारिश हो तब बर्बाद, गर्मी हो तब बर्बाद, पूरा का पूरा। आप करंट की बात छोड़िए ना, आप खान मार्केट जाइए और खान मार्केट में पूरा तार नंगा है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी पूरा तार में, तार ओपन है, कहीं भी आप जाके देखिएगा खान मार्केट के पीछे तो लगेगा कि हम कौन सा गांव आ गए, ये क्या हालात है। तो दिल्ली पर किसी की नजर नहीं है, दिल्ली को लूटने पर नजर है, और इन सब की इंक्वायरी, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे नेता हो, पदाधिकारी हो, दिल्ली में जो जो पदाधिकारी नेता बने हैं, ये इतने अकूट पैसे कहाँ से कमाए हैं दिल्ली की जनता की लूट के ना, यहीं की जमीन और माफियागिरी करके ना, कि इन लोगों की संपत्ति की जांच हो, दिल्ली को इन लोगों ने लूटा है। ओके, धन्यवाद। उनसे बातचीत के रमन कुमार, दिल्ली न्यूज।